भाइयों देखिए, कॉलोनी में काम करता हुआ लोडर, ये देखिए लोडर का काम, मिट्टी फैलाता हुआ ट्रैक्टर। रास्ते बना दिए गए, थोड़ा बहुत चौड़ा रास्ता है कॉलोनी में। ये बुल कंपनी का ओरिजिनल लोडर है, ये पंडित जी के गेट पर लगा हुआ। देखिए किराए का ट्रैक्टर यहाँ को, मिट्टी फलाता हुआ ट्रैक्टर। भाइयों ये तो लोकल भी आ रहे हैं सस्ते, लेकिन बुलबुल ही है कंपनी। ये देखिए किस तरह मिट्टी उठा रहा है, 50-45 डी इस मानो से भाई, ये 4x4 ट्रैक्टर। दोस्तों 4x4 ट्रैक्टर होगा तो स्लिप कम मारेगा, क्योंकि अपन ये जोड़ लगाते पिछले स्लिप मार जाते हैं इसमें, फिर इसको चौड़ा कर रहा ट्रैक्टर। भाइयों ये ट्रैक्टर हमारे गांव का है, सैनियों का, तिलक राम सैनी का है, उसका लड़का है, अकेला लड़का बेचारा, इसे लेके दे रखा तिलक राम ने। ये अपना खर्चा आराम से निकाल ले, किसी की खाद की टोली भरवा देगा। अब यहाँ लग रहे हैं कॉलोनी में, तो भाइयों बुराई कुछ नहीं है करने खाने में। अगर कोई किसान भाई ये बना लेना एक लोडर ट्रैक्टर, तो उसका परिवार पल जाएगा बड़े आराम से, काम इतना मिलता है कामों में बहुत ज़्यादा। काम कर रहा है, इसे आधे घंटों पर चल रहा होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ये बुल कंपनी का है, 9-10 लाख रुपए लगा दिए तिलक राम सैनी ने, लेकिन लड़के की लाइफ बन गई, लड़के को जिम्मेदारी दे दी। भाई ये बच्चे उनके बिगड़ते हैं जिन्हें काम नहीं देते माँ बाप, ठाली रखे हैं भाई सारे दिन ताश खेलेंगे, चौकड़ियाँ बैठेंगे, बालक को जिम्मेदारी दे दो, फिर वो अच्छा बुरा करके अपना आप सुधर जाता है। भाई मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करना, नमस्कार। दूसरा ट्रैक्टर आ रहा है सोनाली का, मिट्टी लेकर आ रहा है, ये भी हमारे गांव के सैनियों का है। भाइयों जब बालक को जिम्मेदारी मिल जाए ना, वो काम करने लगे। अभी जाते मजदूरी करते, मजदूरी में इतना फायदा नहीं, अपने हाथ का बिजनेस बढ़िया। अभी यहाँ कॉलोनी कट रही है, बेचारे ही यहाँ लग गए, छक्का मिल गया, अपना रोजगार कर रहे हैं बढ़िया। तो किस तरह से खाली होगी ट्रोली, देखो डंपर। ये देखिए आप, आराम आराम से ट्रैक्टर उठा रहा है। ये हो गई खाली,
देखो अब लाएगा पर कपड़ा पट। पीछे देखो किसान ने गन्ना बोया था फागण का, लेकिन अचानक ग्राहक लग गई। तो उसने बेच दी कॉलोनी में जमीन अपनी, 40 बीघे की जमीन थी यहाँ गांव के साइड में, वो कहीं और ले लगा 200 बीघे। भाई देखो कितने चौड़े रास्ते हैं, कम से कम 40 फुट रास्ते होंगे मेरे ख्याल में। एक ट्रैक्टर आ गया महिंद्रा, इस पर लेबर आई है। ये देखिए भाई ये मिट्टी का भर के चले जाते हैं ट्रैक्टर इंडो फार्म। आदमी का काम खत्म हो गया, अब जा सबका मशीन से हो गया। अब देखिए जेसीबी भर रही है, ऑटोमेटिक अपने आप उतर जाएगा वो, ऐसा काम चलता है। आदमी तो सिर्फ चलाने के लिए है, देखो कितनी स्पीड में रही जेसीबी। फटाफट भर रही है, ये भी हमारे गांव के सैनियों की है जेसीबी, ट्रैक्टर भी नहीं भाइयों के हैं। भाइयों काम बहुत है, करने वाला चाहिए, कोई भूखा नहीं मरता। ये मैं सोचो कि खेती है तो वही रोटी खाओगा, खेती बाड़ा था कमा कर घरों के लिए आवे नाज। देखो इतना अच्छा काम कर रही है, फटाफट 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 अब भर दे। कितनी स्पीड से काम कर रहा चालक, ये देखो नहीं ली थी जैसी भी पिछले साल ही। ये खेत ऊंचा था, ये मिट्टी उठा ली, प्लॉट कट जाएंगे, ये इसी मिट्टी को उठा के रास्ते पे डाल दें हैं। प्लॉट लेने वाला अपना भराव करो कहीं से करो। भैया सुनने में आया है 9000 रुपये गज का रेट है, और पक्का पता लगेगा आपको इनसे मिल गया मालिकों से। 9000 का बताया मुझे कल एक मुनीम ने। देखिए 5 मिनट में ट्रोली भर दी भाइयों, चालक के हाथ कितने अच्छे चल रहे हैं, फटाफट उठाना फटाफट डालना। इतने ट्रैक्टर भी नहीं आ पाता, इतने डाल देता है। चल दे ट्रैक्टर फटाफट, तीन ट्रैक्टर लग रहे हैं ना, तो लग रहे डंपर, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। भाई भाई आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार, एक ही और बता दूं मैं भाइयों, अब तो हर गांव में करौनी कटने लगी, कोई भी शहर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। शहर के भीड़ भड़के में कहीं खुली जगह में जाए सूरी कॉलोनी को लियो, सस्ता प्लॉट ले लो, 10 साल बाद देखना वहाँ क्या बाहर आ जाए, वहीं भीड़ हो जाएगी 10 साल बाद में। इतनी स्पीड पे जनता बढ़ रही है, जैसे कॉलोनी में आप यहाँ का प्लॉट लीजिए 10 साल बाद में यहीं जगह नहीं मिलने की आपको, यहाँ गाड़ी घूमती है रोज़ प्लॉट बढ़ोगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। भाइयों अपने गांव से मत भागो, छोड़कर शहर की तरफ खेती करते देर सवेर आपके यहाँ भी बाहर आएगी। नमस्कार।